वेलकम गाइस, साहिबा पुजारी यूट्यूब चैनल पे आपका सबका स्वागत है। आज ये अपने पास से गाड़ी आया है बेनलिंग का औरा। ये बेनलिंग कंपनी का गाड़ी है, गाड़ी का मॉडल नेम है वो औरा। ये गाड़ी में अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका लॉक सेट चेंज करना है। देखो इसका लॉक सेट पूरा ख़राब हो गया है, चाबी अंदर घुसता नहीं है और घूमता भी नहीं है, तो लॉक सेट बदलना है हमें। तो लॉक सेट कैसा बदला जाता है ये औरा गाड़ी का, जो किसी को मालूम नहीं रहेगा तो देख लो, मैं दिखा दूंगा। ये लॉक सेट बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कस्टमर का गाड़ी तो अभी रिमोट पे चालू है जो अपना हूटर पे, लेकिन उसको अभी दिक्कत क्या आ रही है कि हूटर का भी बीच बीच में कनेक्शन लूज किधर रहेगा, वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो वो बोला है मुझे कि दोनों भी उसका कनेक्शन मुझे चालू चाहिए, तो रिमोट लॉक और ये अपना की लॉक। तो मेरे पास भी है औरा का ओरिजिनल लॉक सेट, ये देखो ये ओरिजिनल लॉक सेट है, ये ऊपर का कैप है उसके, और ये अंदर इसका ऐसा रहता है ये पोजीशन का। कैसे बिठाना है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहला अपना ये इधर से सब पूरा सब बोल्ट निकालना पड़ेगा, ये पूरा सब आगे का पैनल और पीछे का पैनल, दोनों पैनल भी उसमें निकालना पड़ता है, नहीं तो अपना बराबर फिटिंग नहीं होगा और निकाल भी नहीं सकते वो लॉक सेट को, इसलिए दोनों भी निकालना पड़ेगा। ये नीचे वाला भी नीचे से भी खोलना पड़ता है, ये नीचे से नहीं खोलेंगे तो ये पूरा पैनल बाहर नहीं आता, क्योंकि ये उसका मटेरियल हार्ड है, टूटने की चांसेस ज़्यादा है। और ऊपर का भी निकालना पड़ता है, ये ऊपर का जो खोपड़ी है वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खींचेंगे बाहर की तरफ खींचेंगे तो इसमें अटकता है, ये जो इसमें अटक जाता है तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए वो भी खोलना पड़ता है। मैं दिखा दूंगा आपको खोलने के बाद क्या क्या खोला है मैंने, क्योंकि खोलते वक्त तो हमें शूटिंग करने नहीं मिलते, क्योंकि मेरा काम भी चालू रहता है और आपका शूटिंग भी, तो मैं पूरा डिटेल्स आपको बताते रहता हूँ कि क्या क्या किया है मैंने, कैसे खोला है, क्या किया है, सब मैं वीडियो में बता देता हूँ। उससे पहले आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब हमें करेंगे उतना हमको तो प्रोत्साहन मिलेगा आपकी तरफ से, हम नए नए अच्छे अच्छे वीडियो डाल सकते हैं। थैंक यू गाइस, मैं बाकी का वीडियो दिखा देता हूँ आपको मैं आगे। ये देखिए मैंने गाड़ी तो खोल लिया, आगे का पैनल निकाल दिया है, और मैंने बोला था आपको ऊपर नीचे सब निकालना पड़ेगा, तो अभी मुझे लग रहा है कि शायद निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, ये तीन बोल्ट निकालने, देखो एक ए वाला अंदर वाला, एक ए बाहर वाला, तीन बोल्ट निकालने हैं। तो मैंने ये देखो ये स्पैनर लिया है, ये जो अपना है वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, उसकी मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। ये देखो ऐसा लगाएंगे और इसको घुमाएंगे, भी कैसे घूमता है देखो, ये देखो घूम रहा है, ये थोड़ा सा टिल्ट होता है तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं आएंगे निकालने के लिए। ऐसा थोड़ा सा हार्ड रहेगा तो रिंग पाना अंडर डाल के निकाल देता हूँ, ऐसा रिंग पाना डालो अंदर, 10 का रिंग पाना लेना है, अंदर डाल के इसको खाली लूज करके लेना है। लूज करके ले लो तो अपना काम हो जाएगा, लूज किया अभी इससे घूम सकते हैं, ये लगाएंगे इससे घूमेगा, पूरे घूमेगा तो इसके सहारे से हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, तो क्योंकि उससे आपको टाइम बचेगा, क्योंकि पैनल नहीं निकलेगा, बोले तो पूरा पैनल पूरा फोल्ड करेंगे तो
नीचे से पैकिंग भी उसका निकलता है, इधर का पैकिंग करने के लिए फिर मुश्किल पड़ता है, मुश्किल आता है। इधर से निकल गया ना, परफेक्ट पैकिंग देता है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल टूल का इस्तेमाल किया तो काम इजी भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ निकालने के बाद। ये अपना जो पुराना वाला है, ये है लॉक सेट, वो भी देख लो। देखो गाइस, मैंने तो ये खोल दिया देखो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये निकल नहीं रहा है खोला तो भी, क्योंकि मेरे से भी गलती हो गई, मैंने अलग ही जो फिटिंग थी वो खोल दी। ये लॉक की फिटिंग नहीं, लॉक की फिटिंग अंदर से है। मैंने बाद में देखा, ये देख रहे हैं आपको दो स्क्रू, वो लॉक की सेटिंग है। ये देखो फिटिंग है, अभी वो देखता हूँ कैसा होता है, वो कैसा पॉसिबल होता है। एक तो हैंडल का रॉड भी बीच में है, देखा ये देख रहे हैं आपको दो स्क्रू और लॉक की सेटिंग है। ये देखो फिटिंग है, अभी वो देखता हूँ कैसा होता है, वो कैसा पॉसिबल होता है। एक तो हैंडल का रॉड भी बीच में है, ये तो मेरे से लगता है अभी पैनल निकलना ही पड़ेगा। ये पैनल नहीं निकला तो फिर लफड़ा हो जाएगा। ये पैनल तो निकलना ही पड़ेगा, नहीं थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा सा क्रॉस करके मेरे हिसाब से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा तकलीफ़ हो जाएगी मुझे निकालने के लिए भी। ट्राई तो करने में कुछ नहीं जाता है, मैं ट्राई करता हूँ, को दिखाता हूँ कैसा निकालने का है वो, क्योंकि ये सबसे गलती होती है ऐसा। टेक्निकली जो कोई कभी कभी नया काम करते वक्त ऐसा होता है, क्योंकि हर एक गाड़ी का फिटिंग बाहर से रहता है लेकिन इसका बहुत अंदर से है। मैंने पहला तो इसके पहले रोमास का डाला था, इलेक्ट्रिक की बाइक है, टोनवाल का स्कूटी आता है, वो सेम रहते, सेम मॉडल दिखने में सेम रहेगा, खाली उस पर नाम अलग आएगा। विस्पा जैसा ही मॉडल है, देखो पेट्रोल में विस्पा आता है, सेम वैसा ही मॉडल रोमास करके आता था टोनवाल कंपनी में। वो टोनवाल कंपनी का मैंने वाला चेंज किया था, खाली एक बार ही चेंज किया था मैंने, अभी ये दूसरी बार कर रहा हूँ मैं इसका औरा का। दोनों का सेम फिटिंग है मेरे हिसाब से। मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसा निकलता हूँ, मैं पहला मुझे सोचने दो। अभी मैंने क्या किया है, इधर का जो बोल्ट है, इधर का जो बोल्ट रहता है अपना हैंडल का, वो निकाल दिया मैंने और इसको ऊपर किया, उसकी खोपड़ी को ऊपर किया और ये पीछे खींच लिया, क्योंकि ज़्यादा खींच लिया तो नीचे से पूरा निकल जाएगा, बिठाने के लिए तकलीफ हो जाएगा। ये नीचे जो फिटिंग है देखो एकदम परफेक्ट आना चाहिए, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं हिलाना है, ज़्यादा हिल गया प्रॉब्लम हो जाएगा, बिठाने के वक्त टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी इधर से हम स्क्रू ड्राइवर डाल के उसको निकाल सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। वायर भी ये देखो मैंने किधर से स्क्रू ड्राइवर डाला है, ये पोजीशन में उसको डाल के बाद में निकल रहा है। अभी लूज हो गया, अभी हाथ से भी आएगा, गिर गया तो मिलेगा आपको, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। दूसरा का भी ऐसा ही थोड़ा सा एडजस्ट करके हैंडल बंदर के साथ देखना पड़ता है, लग गया, ज़्यादा टाइट भी नहीं करते रहते, बहुत दिक्कत आता है ये निकलने के, बहुत टाइम भी लगता है। मैं शॉर्टकट से देख रहा था लेकिन आपने शॉर्टकट का देखा क्या हुआ, मेरा काम ही डबल हो गया। ये देखो अभी बाहर आ गया, अभी हमें क्या करना है, ये जो उसका जो फिटिंग है हमने क्या किया,
थम। ये देखिए पहला जो मैंने 3 वोल्ट खोला था उसमें एक इसका माउंटिंग था, ये माउंटिंग खोला था इधर से, और दूसरा ये जो अपना नल लॉक का रॉड जाता है वो पैकिंग खोला था मैंने, उसकी वजह से लफड़ा हुआ है। अभी पहला उसको लगा के लेना है, उसके बाद में बाकी का, क्योंकि उसको खोलना ही नहीं था, खोलने से मतलब ही नहीं है उसका। मैं अभी लगा लेता हूँ, उसके बाद में जैसा अपन ने खोला है वैसा ही उसका लॉक बिठा देना है। देखने के बाद ऐसा ही लगता है ना, कौन भी देखे कि समझ गए कि अंदर इधर से फिटिंग है, लेकिन ये तो गलत हुआ। ऐसी होती रहती है गलती, काम करेगा तो गलती तो होती रहेगी, ऐसा ध्यान इधर उधर गया हो जाता है। अभी तीन ये उसका सॉकेट अलग है, ये अपना नया जो स्विच लॉक अपना लॉक सेट है उसका सॉकेट ये ऐसा आता है, और ये जो पुराना है लॉक सेट उसका सॉकेट ऐसा है। तो अभी क्या करूँगा मैं, क्योंकि इसको अपन कट नहीं करना है, क्योंकि अपने पास सॉकेट है ना ऑलरेडी, ये सॉकेट इधर लगाएंगे, ये सॉकेट कट करके निकाल देंगे, ये दूसरे के इधर गाड़ी में कुछ लग सकता है तो उसके लिए रख देंगे, और इधर ये वायर कट करके इधर जॉइंट मार देंगे। ये देखिए उसका जो पुराना सॉकेट था ये नया अपने लॉक सेट को जोड़ दिया है, अभी इसका सॉकेट है इसको डालेंगे, अभी इसको टेस्ट करके देखेंगे। सर अपना गाड़ी चालू हो रहा है नहीं हो रहा है? गाड़ी चालू हो गई, अभी आपका काम अरे लॉक सेट भी अच्छा है, सब अच्छा है, लॉक सेट अपना अच्छा है, अपना वायरिंग भी पूरा अच्छा है। लेकिन क्या होता है कभी पूरा फिट करेंगे फिर बाद में लास्ट में अपन सॉकेट जब भी डालने जाएंगे लास्ट में हमें प्रॉब्लम आ गया, वायरिंग का प्रॉब्लम है, अभी क्या करें, तो फिर से गाड़ी खोलना पड़ता था, इसलिए बोले तो अपना कभी कभी लॉक सेट भी ख़राब आता है, तो पहला टेस्ट करना ज़रूरी है। लेकिन मैंने लगा जो पहले टेस्ट किया हूँ अभी ओके है, तो इसका ये भी वर्किंग देखना है, सीट लॉक ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका डिस्टेंस देखना है कितना है, बराबर है दोनों का डिस्टेंस, ये लॉक तक हमें इतना बाहर आएगा, ये भी उतना ही आएगा, दोनों सेम है, कुछ प्रॉब्लम क्योंकि बाद में दिक्कत आने से पहले अभी कैसा मैंने धबा धब खोल दिया इधर से दिक्कत प्रॉब्लम आ गई, फिर से मुझे खोलना पड़ा गया था। चलिए ठीक है गाइस, मैं पूरा आपको फिट होने के बाद अभी दिक्कत देता हूँ कि ऐसा मैंने फिट किया है, क्योंकि आप इधर लगा के भी ऐसा टेस्ट कर सकते हैं कि सीट लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हैंडल अपना राइट साइड में जाएगा, उसके बाद में इधर से चाबी डालूँ घुमा दो, हैंडल लॉक प्रॉपर हो रहे हैं, दिखा देता हूँ बाद में मैं पूरा फिट होने के बाद, क्योंकि मेरा भी काम अटके रहता है ये शूटिंग के चक्कर में। ये देखो अपना गाड़ी लॉक सेट का काम हो गया अपना पूरा, अभी मैं दिखा दे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू किया, चालू हो गया, स्विच चालू किया, चालू हो गया गाड़ी, अपना लॉक का काम पूरा हो गया है। अभी अभी मैं आपको लॉक का हैंडल लॉक दिखा रहा हूँ, ये देखो हैंडल लॉक, हैंडल लॉक भी हो गया, अभी आपको रिमोट का दिखाता हूँ मैं, ये देखो अपना रिमोट है,
अब मैं रिमोट से चालू कर रहा हूँ, रिमोट से चालू कर रहा हूँ। अभी दोनों उनका दोनों फंक्शन भी चालू हो गया, ये से भी होता है और रिमोट से भी। थैंक यू गाइस, आपने हमारा वीडियो देखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।